हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोना फिटनेस चैनल। आज जो हम आसना करेंगे वो इक्का हस्ता भुज आसना करेंगे। इक्का मीन्स वन, हस्ता मीन्स अ हैंड एंड भुजा एंड आर्म। आप सीधे फ्लोर में बैठ जाएं और अपने दोनों लेग को स्ट्रेच करें। स्ट्रेचिंग करने से ये होगा कि हमारा जितना भी स्टिफनेस है उससे अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे तो अपने सीधा, जैसे कि अभी मैं स्ट्रेच कर रही हूँ, अपनी बॉडी को थोड़ा नीचे की तरफ झुकाते हुए अपने अंगूठों को अच्छे से पकड़ना है, स्ट्रेच करना है। अभी मैंने डिस्क का सपोर्ट लिया हुआ है तो जैसे कि मैंने अपनी बॉडी को थोड़ा ऊपर उठाने का कोशिश करना है। दोनों हाथों को सपोर्ट देना है, बॉडी को थोड़ा सा इनहेल करते हुए फिर से एक्सहेल करते हैं। इनहेल, बॉडी को ऊपर उठाएं, सामने की तरफ देखना है। इससे क्या होगा कि हम अच्छे से इसमें अपनी बॉडी को अच्छे से ऊपर उठा पाएंगे। वन बाय वन लेग को थोड़ा ऊपर करने का कोशिश करना है। इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी लेग, बिल्कुल आपने लेग को स्ट्रेच करना है और थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाने का कोशिश करना है। रिलैक्स करें। वन बाय वन हाफ हाफ लेग स्ट्रेच करना है, मींस अपने चेस्ट तक लेके आने का कोशिश करें लेग को फोल्ड करते हुए। वन बाय वन दोनों ही स्ट्रेच करना है। इससे हमारे दोनों थाइस के जितने मीमीज, इससे अच्छे से हिप ओपनिंग भी होता है और अच्छे से स्ट्रेचिंग भी होगा। अपने बाजू मीन्स अपने लेग को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाने का कोशिश करना है। हाफ उसमें शोल्डर तक लेके आए, हाफ नीज तक टच रहना चाहिए। अपने हाथों को दोनों को सपोर्ट देना है। अपना जो हैंड रहेगा हमारा नीज के ठीक नीचे रहेगा हमारा राइट हैंड, और फिर धीरे धीरे ऊपर उठा देना है। कुछ देर के लिए होल्ड रखें, 5 सेकंड तक आप इसको होल्ड में रख सकते हैं। स्टार्टिंग में वैसे ही हमने जैसे राइट में किया वैसे ही हमने इसको लेफ्ट से करना है। हमारा जो राइट लेग जैसे अभी हमने बिल्कुल स्ट्रेट में करना है और लेफ्ट को हाफ बेंड करना है। ये एक बार से प्रैक्टिस में नहीं होगा, इसमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी हम बिना सपोर्ट के करने का कोशिश करेंगे। लेग को फिर से स्ट्रेच करें हाफ बेंड में, दोनों हाथों को नीचे फ्लोर से सपोर्ट देते हुए गहरा लंबा सांस लेना है। कोशिश करना है ऊपर उठाने का। ये एटलीस्ट थोड़ा सा उठा, फिर से ट्राई करना है। इनहेल, गहरा लंबा सांस लें। काउंट करते रहें, 1 2 3। वैसे ही जितना आपने अभी स्ट्रेचिंग किया वैसे ही भी आपने लेफ्ट साइड से करना है। लेफ्ट नीज को बेंड करना है और राइट को ऊपर उठाने का कोशिश करना है। लेग जो है हमारा बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। अगर एक हम जैसे अभी लेफ्ट लेग को हमने बेंड किया है तो राइट स्ट्रेट रहना चाहिए, वैसे ही दोनों साइड से करने का कोशिश करना है। अभी मैंने हाथ को मुट्ठी बंद करते हुए मैंने करने का कोशिश की है।
स्ट्रेच करना है लेग को और धीरे धीरे ऊपर उठा देना है। मैं फिर से सपोर्ट लेने लेते हुए करके दिखा रही हूँ। नी को बेंड करना है और लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करते हुए स्ट्रेच करें, फिर ऊपर उठा दें। कुछ देर तक के लिए होल्ड रखें, फिर वापस पोजीशन में आ जाएं। इस आसना को करने से हमारे जो आर्म्स मसल्स एंड एडोमिनल्स ऑर्गन्स के मसल्स हैं, इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ आता है। तो ये वाला जो आसना है वो काफ़ी हेल्प करता है हमारे मसल्स को स्ट्रोंग करने के लिए। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए गाइस, और ये प्रैक्टिसिंग तब तक के लिए गाइस, स्टे फिट स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।